हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स हियर विद मिली। और मैं हूँ आपकी मिली। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक इजी रेसिपी जो बनता है बहुत ही कम टाइम में। इसका नाम है पनीर चीजी मैगी। और एकदम ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसे बनाने के लिए, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। मैंने कहीं खाया था पर कभी नहीं बनाया, तो आज पहली बार मैं आपके सामने बना रही हूँ पनीर चीजी मैगी कैसे बनता है। तो चलिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं चॉप किया हुआ टमाटर है, प्याज है और कैरेट है। मैंने ऐसे छोटे साइज में चॉप करके लिया है। एक टीस्पून ऑफ बटर है, 2.5 स्लाइस है चीज का, और 2 पैकेट मैंने मैगी का लिया है। और साथ साथ जो मैगी के अंदर टेस्ट मेकर होता है वो भी मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक ही शो किया है पैकेट, पर मैं 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ मैगी का। और साथ में चाहिए थोड़ा सा नमक बस। यहाँ पे मैंने पनीर को स्लाइस करके लिया है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ऑफ बटर। बटर गरम हो गया है, अभी मैं डाल दूंगी अनियन, फ्राई करूंगी बटर में ही। अनियन को थोड़ा सा बटर में मिला लेने के बाद फिर मैं इसे ऐड करूंगी कैरेट, यानी कि गाजर जो होता है, गाजर और प्याज को एक साथ मिला के मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी भुन लूंगी इसको बटर में। और अभी ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया, अभी मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। और साथ में डाल दूंगी जो कटा हुआ टमाटर था, वो टमाटर भी मैं इसमें अभी डाल दूंगी। एकदम छोटे से पीसेस में मैंने कट करके रखा था, थोड़ा सा सबको मिला के फ्राई कर लूंगी अभी। और आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा फीका फीका लगेगा। थोड़ा सा ही नमक ऐड कीजिएगा। एक पिंच या 2 पिंच नमक ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैंने डाल दिया है टेस्ट मेकर जो होता है मैगी का। मैं 2 पैकेट टेस्ट मेकर मैगी यूज करी हूँ, तो उसमें 2 पैकेट ही टेस्ट मेकर रहेगा, तो दोनों में यूज करूंगी। हम मिला लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अभी हम ऐड कर देंगे 2 कप ऑफ वाटर, 2 कप पानी, और मिला लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे मैगी 2 पैकेट, 2 पैकेट ऑफ मैगी हमने डाल दिया। अभी ये बॉईल होने के बाद हम इसके ऊपर, जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा बॉयल होकर, उसके ऊपर हम डाल देंगे चीज का जो स्लाइस है वो। ये जो चीज का स्लाइस है ये थोड़े टाइम के बाद पिघल जाएगा। ये देखिए पिघलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। अभी हमने पिघलने के बाद मिला लिया है चीज को ऊपर से, थोड़ा थोड़ा रह गया है देखिए। और ये हो गया है रेडी हम लोगों का पनीर चीजी मैगी। ये देखिए मेरा मैगी जो है चीजी पनीर मैगी रेडी हो गया है। एकदम कम ही टाइम में रेडी हो जाता है। आप भी ये इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से खा सकते हैं या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के हिसाब से। तो फिर कैसा लगा ये डिश आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या है मेरा चीजी पनीर मैगी, अभी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा बना है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, पर मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो एक बाइट ले लेती हूँ मैं। प्लीज
आप सब इसे एक बार जरूर बनाइए और खा के मुझे फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इतना टेस्टी मुझे लगा कि आपके जो बच्चे हैं वो इसे बहुत ही पसंद करेंगे, आपके फैन बन जाएंगे और आपको वाहवाही देंगे। तो आप सोच रहे हैं मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, पर नहीं, रियली टेस्टी बना है गाइस। तो मैंने तो मैगी टेस्ट कर लिया है और आपसे भी शेयर किया है कि मैगी कैसा लगा। और जैसे आप देख रहे हैं मैं पूरा किचन में पसीना पसीना हो गई हूँ। बना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, पर इतना गर्मी है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। बारिश हो रहा है पर गर्मी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके साथ गर्मी भी मतलब इक्वली है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ घर पे उतना कुछ मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, क्योंकि स्किन भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो जो मैंने मैगी बनाया है उसमें मैं सिर्फ ऐड किया है अनियन, टोमेटो एंड कैरेट। पर आप चाहे तो उसमें और आपका पसंदीदा जो सब्जी है, वेजिटेबल्स है, वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, पीस, ये सब। ये सब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो इसे मैंने नहीं डाला, पर आप वो प्लीज डालिएगा। और एक बार किसी और चीज़ से बनाएं, यानी कि मोज़रेला चीज़, तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो मैं ये ब्लॉग यहीं से ख़त्म करती हूँ। सी यू, तक आवाज़। गुड नाइट।